फिल्म अगर अब दोबारा करेंगे तो ये बताइए कि अपने साथ हीरोइन किसको लेंगे, नीलम मुनीर, मायरा खान या महविश हयात? तीनों हीरोइन नहीं, अगर इनको वैसे लेना हो तो ले लें आपको, लेकिन हीरोइन नहीं है तीनों। तो फिर हीरोइन कौन होगी भाई, ये तो बता दें। मैं वैसे सजेशन से बुला थी। तो बाकी जो है वो अगर किसी को हीरोइन लेना हो तो मैं तुबा को लूंगा। बैठिए भाई, तुबा को इजाजत देंगे, काम कर देंगे ना, फिर ये तो नहीं होगा ना। कहा है मैंने, मैं तुमसे कहा है कि भाई आपको जो भी आए आप करें आप काम, है ना। एक टैलेंट है आपके अंदर, तो उसको बताओ। इतनी खूबसूरत करेंगे लोग, कांटेक्ट करेंगे लोग, है ना। यानी आवाज बड़ी खूबसूरत है, आवाज है माशाल्लाह, चेहरा भी खूबसूरत, तो तुबा से भी पूछेंगे। तो वैसे कभी मौका मिला तो कहीं कभी अगर कोई अच्छी ऑफर वगैरह लगी और सूटेबल लगी तो इनसे डिस्कस करके जरूर, क्यों नहीं। कितनी को मीन मिनाख निकाल देते हैं बीच में, ऐसी तैयारी, ये ऐसे ऐसे ये लगा लो, ये अच्छा लगे। इनको इसकी सेंस बहुत है, इनको सेंस बहुत है, मीन मिनाख कभी नहीं, लेकिन हमेशा जो भी एडिशन को बताते हैं ना वो इतना परफेक्ट, मतलब जो चीज मिसिंग होगी ना ये पकड़ लेते हैं कि तुम्हें इसके साथ मैचिंग ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये चीज़ होनी चाहिए। और वो इतनी माशाल्लाह से अच्छी बैठती है कि मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह इनको जो फैशन सेंस है वो किसी को नहीं है। वाओ, तो आपसे भी एक रैपिड फायर करते हैं ना, ज़बरदस्त किस्म का। आपको फिल्म मिले, फिल्म में आपको मौका मिल रहा है फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद या मेरा भाई आमिर याकर? 100% इसलिए कहता था कि बाकी जो लोग अप्रोच करना चाहें तो समझ लेंगे, अगर दोनों को साथ अप्रोच करेंगे तो ज्यादा वो, हम सिलसिला फिल्म का पार्ट टू बनाएंगे। अपनी प्रोडक्शन में बनाए, अपनी प्रोडक्शन में बनाए, सिलसिला खत्म बनाएंगे।